एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम आपको लेके चलने वाले हैं अहमदाबाद में एक नई सी प्लेस पे जो कि फेमस है गुजराती और कच्छ थाली के लिए। तो चलिए आइए, बने रहिए मेरे साथ, हम लोग चलते हैं और देखते हैं हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो इस रोड को तो अहमदाबाद में कौन नहीं जानता, इसको कहते हैं सिंधु भवन रोड, इस ताज रोड भी कहते हैं। ये रात में ताज होटल के वहाँ पे जो स्टॉल्स लगते हैं तो ये रोड बड़ी जगमगाती है। तो आज हम आ गए सिंधु भवन रोड, जहाँ पे टाइम स्क्वायर नाम की एक बिल्डिंग है जिसमें अचीजा करके एक रेस्टोरेंट है, गुजराती थाल और कच्छ थाल के लिए जो फेमस है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अचीजा की तरफ। अचीजा का वैसे मतलब है पधारो। तो चलिए आइए देखते हैं अंदर जाके हमें कैसा लगता है। तो यहाँ पे एंटर करते ही बिल्डिंग के अंदर पहले भगवान जी की मूर्ति रखी हुई है, एक स्पेस बना हुआ है बैठने के लिए ताकि आप लोग वेटिंग कर सकें। फिर यहाँ से लिफ्ट से आप ऊपर जाएंगे सेकंड फ्लोर पर तो आपको अचीजा रेस्टोरेंट मिल जाएगा। और ऊपर से मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ यहाँ पे ताज रोड का कि कैसी लगती है दिन में। रात को तो ये काफ़ी जगमग जगमग करती है, तो दिन में ये बिल्कुल ऐसे लगती है। और हम अब आज जा रहे हैं अचीजा, और यहाँ पे ही पास में एक फन सिटी है। तो कभी आप यहाँ पे आएँ तो आप अपने टॉडलर्स को यहाँ पे खेलने के लिए भी छोड़ सकते हैं। काफ़ी वर्कशॉप्स और एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भारी वेटिंग चल रही थी तो हमने यहाँ पे रजिस्टर करा दिया और उसके बाद हम लोगों को वेट करना पड़ा। तो ये है हमारा अचीजा। एंड इसकी जो ब्रांचेज हैं वो तीन जगह हैं, एक तो सिंधु भवन रोड पर है जहाँ पर हम लोग आज आए हैं। अब इसके अंदर जब आप जाएंगे तो देखिए कितना अच्छा सा एम्बियंस है। पहले तो इसका गेट ही कितना एस्थेटिक लुक देता है, उसके बाद जब अंदर जाएंगे तो पूरा कुजीन पूरा कल्चर से भरा हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो छोटे छोटे पीसेज हैं एस्थेटिक से वो पुराने कल्चर को डिपेक्ट कर रहे हैं। एंड ये जो इसकी वॉल्स हैं वो जो बनी हुई हैं लिप्पन आर्ट, जो आप लोगों ने सुना होगा आजकल काफ़ी चल रहा है लिप्पन, ये पहले के टाइम में इसे मड आर्ट भी कहते हैं। तो पहले के टाइम में से काफ़ी करा जाता था, लेकिन आजकल ना रेस्टोरेंट्स वगैरह की सजावट के लिए घरों में काफ़ी इसको आजकल यूज़ कर रहे हैं। और ये छोटे छोटे से मोकले जो पहले हुआ करते थे, जो मड वॉल्स पे हुआ करते थे, और पुरानी जो कलाकारियाँ पेंटिंग, सब इतना अच्छा लुक दे रखा है ना इस रेस्टोरेंट्स को। आप जाएंगे ना तो आपको ऐसे कल्चरल फीलिंग आएगी, मतलब आप यहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे तो पुराने टाइम की आपको फीलिंग ये रेस्टोरेंट देगा। और यहाँ पे जो ये लोग घूम रहे हैं इनको भी ड्रेसअप करवाया गया है बहुत ही अच्छे से, ताकि बिल्कुल एकदम रॉयल तरीके से खाना आपको सर्व करा जाता है। यहाँ पे पगड़ी वगैरह पहना के लोग सर्व करते हैं। एंड जो आप इसकी जब सीटिंग देखेंगे तो इसकी सीटिंग को भी काफ़ी पुराना मतलब कल्चरल लुक दिया गया है। ये जो टेबल रनर है ये भी कच्ची स्टाइल का है एंड इसको काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन करा गया है। अब यहाँ पे आपको ये बढ़नियाँ पुराने ज़माने की दिखेंगी। अब इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं, अचार वगैरह रखे हैं, फिर ये तो बस नमक जो हमें बेसिकली चाहिए होता है। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको मिर्ची करौंदे एंड मिर्ची का अचार एंड उसके बाद ये लहसुन की चटनी आपको देखने मिल जाएगी। उसके बाद जो इन्होंने सर्विंग्स के लिए थालियाँ रख रखी हैं वो भी इन्होंने कांसे की रख रखी हैं, जो आपको पुराने टाइम में अगर किसी को पता हो तो कांसे और पीतल के बर्तन यूज़ किए जाते थे। तो अभी इन लोगों ने जो रख रखा है वो है कांसे की थालियों में आपको सर्व करेंगे, तो आपको ना फीलिंग बहुत अच्छी आएगी क्योंकि ना आप ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। तो जब आप शुरुआत में जाएंगे तो आपको जाते ही सर्व करा जाएगा। हम तो जिस दिन गए थे उस दिन का मेन्यू था, हमको वाटरमेलन जूस जो है सर्व करा गया था जो कि बिल्कुल फ्रेश बना था। उसके बाद ये लोग ना फरसान के लिए आपको चटनी एंड सलाद दे देंगे और उसके बाद फरसान वगैरह आपको सब सर्व किया जाएगा। इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, मतलब मेरा तो ना देख के ही मन भर गया था। स्टार्टर्स में देखिए चाट, ये दही पापड़ी चाट थी जिस दिन हम लोग गए थे। अलग अलग दिन पे अलग अलग मेन्यूज़ रहते हैं। तो उसके बाद ये दाबेली कच्छ की फेमस एंड ये पात्रा और ये खमंड गुजराती खाना, भाकरी रोटी पापड़ आलू की सब्जी मक्की की सब्जी भिंडी की सब्जी, नॉर्थ इंडियन से पनीर घेवर और आमरस। अभी क्योंकि आमरस का काफ़ी सीज़न चल रहा है तो आमरस भी अभी आपको सर्व किया जा रहा है। एंड उसके बाद ये छाछ को हम गुजरात में तो कैसे भूल सकते हैं, इस टाइप का आपको पेपर टिश्यू दिया जाएगा। एंड यहाँ पे मैं अपनी चाट को इंजॉय करते हुए, एंड ये रही मेरी थाली एंड ये बिल्कुल एकदम
कल्चरल एस्थेटिक रॉयल लुक दे रही हैं। लास्ट में हमको सर्व करे गए थे चावल, जो कि हम खा सकते हैं दाल या फिर कढ़ी के साथ। तो ये सब जो मेन्यू है वो काफ़ी अच्छा था। एंड उसके अगर आप चावल प्लेन नहीं खाते हैं तो आपको वहाँ पे पुलाव भी मिल जाएगा। एंड उसके बाद जब लास्ट में वो लोग हाथ धुलाते हैं तो ये बिल्कुल, ये भी रॉयल वे में वो लोग हाथ धुलवाते हैं आपके। तो आप ज़रूर जाके यहाँ पर प्लीज़ मेरे कहने पर एक बार विज़िट करिए। एंड इस थाली का कॉस्ट मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा नहीं है, इस थाली का कॉस्ट है ओनली 400 रुपीज़। और ये जो हमारी थाली है ना वो बिल्कुल अनलिमिटेड है, तो जाइए और इंजॉय। हम लोग अब आ चुके हैं वापस जहाँ हम गए थे वहां से, और आपको ये जगह कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले नए व्लॉग्स में। बताइए अगला वीडियो किस पे हो, शॉपिंग पे हो, फूड पे हो, किस चीज पे हो। ऐसे ही मिलते रहेंगे नए नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए बाय।